इसराइल के हमलों की वजह से आधा लेबनान जल रहा है, वहीं हिजबुल्ला को लेकर अब इसराइल के रक्षा मंत्री ने संकेत दिया है कि वहां पर अब जंग को अंतिम पड़ाव पर ले जाने का वक्त आ गया है। हालांकि लेबनान को लेकर आईडीएफ पहले ही साफ कर चुकी है कि हिजबुल्ला जब तक सरेंडर नहीं करता तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। लेकिन इस सबके बीच अचानक से हिजबुल्ला ने इसराइल के ऊपर एक बहुत ही भीषण हमला किया है जिससे पूरा इसराइल थर्रा उठा। दरअसल हिजबुल्ला का दावा है कि उसने उत्तरी हाइफा में जेवलिन मिलिट्री इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर एक मिसाइल हमला किया। इसको लेकर हिजबुल्ला के टेलीग्राम चैनल ने कहा कि हिजबुल्ला की तरफ से स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 12:45 पर इस सैन्य अड्डे पर मिसाइलों का जत्था फायर किया गया। और इस हमले से पहले 27 अक्टूबर 2024 को भी हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर कई रॉकेट फायर किए थे जो इसराइल के गलीलिए इलाके में जाकर गिरे, और इस हमले में 2 लोग घायल हुए। और इस अटैक को लेकर इजरायली न्यूज चैनल 13 का कहना है कि लेबनान की तरफ से दागे गए रॉकेट सीधे तामरा में एक रिहायशी इमारत पर जा गिरे जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि हिजबुल्ला के साथ गोलीबारी में इसी दिन इसराइल के 4 सैनिक मारे गए जबकि 14 सैनिक घायल हुए। घायलों में 5 जवान गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं, वहीं मारे गए सैनिक आईडीएफ की एलन ब्रिगेड के हैं, वहीं 2 मृतक प्लाटून लीडर और डिप्टी कमांडर थे। आपको ये भी बता दें कि हिजबुल्ला ने इसी दौरान उत्तरी इसराइल के कई सेटलमेंट्स पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने आईडीएफ के एक एयरक्राफ्ट और हरमीज 900 ड्रोन पर जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल दागी जिसकी वजह से इन दोनों ही एयरक्राफ्ट को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। हिजबुल्ला का ये भी दावा है कि उसने इसराइल के क्रियत स्मोना सेटलमेंट में नागरिक आबादी को तुरंत वहां से निकल जाने का आदेश दिया है। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने आईडीएफ के जवानों पर एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला किया। हिजबुल्ला ने इस ड्रोन अटैक का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें पहले तो हिजबुल्ला का एक लड़ाका ड्रोन फायर करता है, उसके बाद ये ड्रोन बॉर्डर पार करते हुए सीधे उस गाड़ी पर जा फटता है जिसमें आईडीएफ सैनिक घुस रहे होते हैं। और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने येसुड हमला सेटलमेंट पर भी रॉकेटों का एक पूरा जत्था फायर किया जिसकी वजह से इस सेटलमेंट में जगह जगह धमाके होते हैं और आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान के अल तायब रुब अल थालाथिन में जब इजरायली रेस्क्यू टीम घायलों को निकाल रही होती है तो उस वक्त हिजबुल्ला के लड़ाके इस टीम पर धावा बोल देते हैं। हिजबुल्ला ने इस हमले को लेकर एक वीडियो भी रिलीज किया जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे हिजबुल्ला के लड़ाके एक साथ आईडीएफ के रेस्क्यू वाहनों पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले कर देते हैं।